हेलो एवरीवन सो आज जो है मेरे हाथ में दो लेंसेज़ है ये जो लेंस है वो सात आठ हज़ार रुपए का है और ये जो लेंस है वो तीन लाख रुपए का है ये दो लेंसेज़ मैं यूज़ करती हूँ एज अ वेडिंग फोटोग्राफ़र जब हम लोग पोर्ट्रेट्स खींचते हैं अगर आप एक फ़ैशन फोटोग्राफ़र हो तो भी ये दो लेंसेज आपके लिए बड़े काम के होते हैं ये लेंस फिफ्टी एम mm का है और ये एटी फाइव एम का है अगर मैं आपको बोलूँ कि फिफ्टी एम mm और एटी फाइव mm में क्या फर्क है तो आप बोलोगे फिफ्टी एम में थोड़ा सा वाइड होगा एटी फाइव mm थोड़ा सा क्लोज अप हो जाएगा अगर इतना ही फर्क होता तो मैं थोड़ी ना इतने सारे पैसे डाल देती तो फोकल लेंथ में फर्क तो है ही पर इसके अलावा इसमें यह फ़र्क है कि ये वाला जो हमारा लेंस है ये एक नॉर्मल लेंस है एक एस लेंस है जिसका जो एपीचर है जो वाइडेस्ट एपीचर आपको चाहिए रहता है अच्छा बोके या ब्लर बैकग्राउंड लेने के लिए वो एफ़ वन पॉइंट एट है और ये वाला जो हमारा लेंस है इसका जो बोके है वो बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि ये मैक्सिमम जो एक एपीचर वाइड हो सकता है वो है इसमें और वो है एफ़ वन पॉइंट टू 1.8 से आप डायरेक्ट 1.2 में आते हो, तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, एंड ये जो है एक लग्जरी लेंस है जब आप लग्जरी लेंस की बात करते हो अभी कैसे पता चलेगा कि ये लग्जरी है कि नहीं यहाँ पे एक रेड कलर की एक रिंग है ये जो रिंग है इसका मतलब है एल यहाँ पे लिखा भी होगा एल एल का मतलब होता है लग्जरी लेंस तो इसके अंदर के जो लेंस एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही हैवी होते हैं उसकी जो कोटिंग होती है जो उसके ऊपर एक सरफेस पे कोटिंग की जाती है जिससे जो भी लाइट कैमरा के अंदर लेंस के थ्रू एंटर हो रही है वो सारी एकदम क्रिस्प होती है अगर मुझे चाहिए कि रेड ग्रीन और ब्लू ये तीनों लाइट के जो रेज है वो जब लेंस के अंदर आए वो एक ही पॉइंट पे आए उसका जो प्रसिशन है वो अच्छा हो जो कलर रेंडरेशन है वो अच्छा हो उसके लिए जो वो लोग कोटिंग करते हैं लेंस के ऊपर वो इसमें बहुत ही बढ़िया दी गई है बहुत ही हाई एंड मतलब कैनन के पास जो भी बेस्ट क्वालिटी की जो लेंस एलिमेंट्स रहेगी और लेंस कोटिंग रहेगी वो इसमें दी गई है और इसीलिए इसकी जो प्रसिशन होती है कलर एंडरेशन की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसके आगे ये एक डी एस लेंस है डी एस लेंस के लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कारण कि इसका मतलब होता है डी फोकस स्मूदनिंग ये सारा ये लेंसेज में अवेलेबल नहीं होता ठीक है ये एक प्राइम लेंस है 50 एम mm एम लेंस है मतलब आप आगे पीछे होना होता है ये आप जो है कभी 18 कभी 135 कभी टेली कभी वाइड नहीं कर सकते हो 50 एम एम पर बस आपको रखना है आपका और ये आपका जो एटी रहेगा या आपका ये वाला रहेगा फाइव डी मार्क फोर रहेगा ये सारे कैमरा पे लग जाता है सो so ये जो लेंस है वो एक ई माउंट है ठीक है जो आपके एटी डी मार्क फोर पर लगता है और ये वाला उसके कंपेरिजन में एक आर माउंट है जब आप आर माउंट की बात करते हो तो आर आर थ्री आर फाइव आर सिक्स ये सारे कैमराज के ऊपर ये कंपैटिबल होता है जैसे ही आप ये लेंस लगाते हो आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है जो ई एफ टू आर एफ में के बीच में उसको एक कन्वर्ट करके आप उसको कंपैटिबल कर सकते हो ये लेंस को आप इसको जो है डी एस एल आर कैमराज में यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो मिररलेस कैमरा में विथ कन्वर्टर लगा के बस इसका फिफ्टी एम एम एंजॉय कर सकते हो एफ वन पॉइंट एट भी एंजॉय कर सकते हो सो तो ये इसका काम यहाँ पे फिनिश होता है और आठ हज़ार नौ हज़ार या जो भी इसका एक सिंगल डिजिट का रेंज है उसके लिए ये कैमरा के लेंसेज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रेंज में उन्होंने दिया है पर जब भी आप प्राइम और बहुत ही अच्छे लग्जरी लेंसेज़ में घुसते हो तब क्या होता है कि उसकी क्वालिटी और भी अच्छी सिनेमा लेवल की बढ़िया क्वालिटी आपको देना शुरू कर देता है जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि क्या ही फ़र्क पड़ता है ये भी तो फिफ्टी एम mm है इसमें भी तो वन है अभी वन से वन के लिए मैं क्या इतना सारा पैसा दूँ पर एक्चुअली इसका जो लेंस एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं जो कलर्स की प्रसिशन होती है जो शार्पनेस होती है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी होती है एंड यही नहीं ये जो लेंस है इसमें मैंने अभी बताया था डी एस लेंस डी फोकस स्मूदनिंग इसका मतलब है कि ये जो लेंस है इसको जब आप वाइडेस्ट एपेचर पे रखते हो देखो इसमें आप 22 पे करोगे तो ऐसा नहीं होगा इसका जो वाइडेस्ट ऐपेचर है जैसे 1.2 पे अगर आप इसको लेके जाते हो तो क्या होता है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट मतलब यहाँ से जो पहला लेंस एलिमेंट है और यहाँ एंड में जो और एक लेंस एलिमेंट रहेगा वो दोनों लेंस एलिमेंट के ऊपर जो है एक कोटिंग की गई होती है उस कोटिंग को कहा जाता है वेपर कोटिंग के मदद से जो है उस लेंस एलिमेंट के ऊपर साइड में ही पूरे के पूरे लेंस को नहीं सिर्फ साइड में ही एक डार्क रेंज का एक बहुत ही अ, अंडर एक्सपोज किया हुआ वहां पे एक कोटिंग किया जाता है जो लाइट अंदर आ रही है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है सिर्फ पेरीफेरी पे पूरी की पूरी लेंस को वैसे नहीं किया है सिर्फ पेरीफेरी पे तो पहला और आखिरी लेंस जो है वहाँ पे ऐसी पेरिफेरी में एक कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से जब आप आपका एपेचर 1.2 रखते हो तब जो आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलना था मतलब पीछे पूरा ब्लर हो गया पूरा बोके हो गया अब जो है वो बोके के ऊपर भी ब्लर हो रहा है तो अभी तक हम जो बोके देख रहे थे वो काफी ही शार्प एकदम ही यू नो एकदम पॉइंटेड पॉइंटेड दिखता था पर जैसे ही आप ये लेंस लगा के काम करते हो वो जो शार्प एजेस दिखते हैं बोके के वो भी ब्लर हो जाते हैं जो पीछे के बैकग्राउंड में थोड़ा सा भी हल्का सा भी जो एजेस दिखते हैं ना जो आप डेप्थ ऑफ फील्ड करने के लिए ट्राई करते हो वो भी ब्लर हो जाता है ऐसा लगता है जैसे फोटोशॉप पे गॉशन ब्लर किया हुआ हो बोके के ऊपर वो इसमें ऑटोमेटिकली जब आप फोटोग्राफी करते हो तब हो जाता है आप मानोगे नहीं जब मैंने इससे वेडिंग फोटोग्राफी के काम किए जब मैंने इनसे पोर्ट्रेट खींचे मैं दंग रह गई जब मैं इसका रिजल्ट पूरी स्क्रीन पे देखती थी टीवी पे देखती थी ऐसा लगता था जैसे थ्री में सब्जेक्ट बाहर आ रहा है और पीछे क्या है वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है अगर पीछे कोई कपड़े भी सुखा रहा है ना वो भी नहीं दिख रहा है पूरा का पूरा जो है एकदम ब्लर हो जाता था और सब्जेक्ट एकदम बाहर आता था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था सो ये लेंस का ये कमाल है अगर आप डी लेंस नहीं जाते हो ठीक है ये इतना ब्लर नहीं चाहते हो नॉन तो डी भी अवेलेबल है पर एज अ वेडिंग फोटोग्राफर मुझे पता है कि इसकी क्या वैल्यू है जब हम लोग जो है पूरा ब्लर कर देते हैं तब तो ऑटोमेटिकली इसकी जो क्वालिटी है वो और भी निखर के बाहर आती है इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा पे करना था वो मैंने वहां पे कर दिया सिर्फ इसका एक ही माइनस पॉइंट है और वो ये है कि जब आप एफ वन पे काम करते हो तो जितनी लाइट अंदर आनी चाहिए उससे डेट स्टॉप कम लाइट अंदर आएगी अगर आप जो है वाइडेस्ट एपेचर पे काम करते हो क्योंकि वो जो पेरीफेरी पे डार्क जो एक आ, कोटिंग लगाई है जो डीएस कोटिंग कहा जाता है वो डीएस कोटिंग क्या करता है कि डेढ़ स्टॉप लाइट को कम अंदर आने देता है मतलब जो लाइट 1.2 पे अंदर आनी थी उसमें जो है 1.8 पे अंदर आ रही है तो उतना ही इस बस आपको कम लगता है जो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको वो तकलीफ शायद नड़ेगी भी नहीं अगर आप बोलो कि लो लाइट परफॉर्मेंस तो वन पॉइंट भी आपका अच्छा ही काम होगा जितना आपका वन पॉइंट पे तो इतनी कोई इशू है नहीं बट कहने का मेरा काम है और मुझे आपको सिखाना ज़रूरी है अभी जो है मैं इनको आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है हम लोग ने यहाँ पे एक मॉडल को भी बुलाया था जिसके ऊपर हम लोग ने ये फोटोग्राफी करने का ट्राई किया था हम लोग ने ये दोनों लेंसेज यूज़ किए हैं आप दोनों की क्वालिटी भी देख पाओगे और दोनों के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं जो डी लेंस का रिजल्ट है वो भी आप समझ पाओगे सो so, अभी हमारे पास यहाँ पे गोडोक्स की एल सी आर है जो हम लोग इनके बालों के ऊपर डालने वाले हैं एज अ कट लाइट क्योंकि देखो पीछे जो लाइट है वो बैकग्राउंड हो गया जिसको हम लोग बोके की तरह क्रिएट करेंगे बट एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक गोल्डन कलर का मैंने लाइट सेलेक्ट किया था वो तो गोल्डन मतलब एकदम वार्म कलर और जो उनके बालों पर आएगा उनके नाक पर अभी आ रहा है वो नहीं आना चाहिए जिसके लिए हम थोड़ा सा लाइट को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से इसको पैनल से कंट्रोल करके कट लाइट क्रिएट किया है हम लोग ने यहाँ पे दूसरी लाइट है ये गोडोस की एस एल सिक्सटी है एक वीडियो लाइट है कंटिन्यूअस लाइट है जो हम लोग यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे इनके चेहरे के पास ये जो लाइट है इनके यहाँ हेड से लेके यहाँ तक फॉल हो रही है मतलब एक बहुत ही ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट इनके चेहरे के ऊपर आएगा इस लाइट के ऊपर हम लोग ने डिफ्यूजर लगाया ताकि सॉफ्ट लाइट आए क्योंकि ऑफकोर्स सॉफ्ट लाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी यहाँ पे मैंने इस लाइट को बहुत ही सिंपली प्लेस कर दिया है अभी जो है हमारी जो कैमरा सेटिंग्स है उसमें हम लोग ने एफ़ वन लिया है इसमें जो है एक डी लेंस है एटी फाइव एम का जिसके ऊपर एफ़ वन मैक्सिमम था जो मैंने लिया है क्योंकि मुझे अच्छा खासा बोके चाहिए पीछे दूसरा मैंने इसके ऊपर जो शटर स्पीड रखी है वो वन बाई टू हंड्रेड रखी है और आई एस टू फिफ्टी रखा है और अब देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं सबसे पहला फ़ोटो हम कैप्चर करेंगे जहाँ पे एक सिंपल इसका ब्यूटीफुल पिक्चर लेंगे अभी जो है हम लोग आर थ्री का कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग ने 50 एम का लेंस लगाया है और 1.8 के ए के ऊपर हम जो है इसकी फ़ोटोग्राफ्स खींचेंगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो आर चैनल और ये जो प्रोडक्ट है इसकी लिंक भी हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाली है आप खुद इसको कैनन की वेबसाइट पे जाके इसकी स्पेसिफिकेशंस और भी डिटेल में चेकआउट कर सकते हो थैंक यू सो मच एवरी वन सी सुन